हरियाणा में कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई पर शिकंजा और कस गया है। इनकम टैक्स ने गुरुग्राम में बिश्नोई के 150 करोड़ रुपए के होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया है। जांच में पता चला था कि ये बेनामी संपत्ति पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और चंद्र मोहन की है। इसी के बाद आयकर विभाग ने ये कदम उठाया। जब्त की गई संपत्ति का मालिकाना हक ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसमें 34% शेयर एक और कंपनी के नाम है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। ये कंपनी यूए से चलती है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के कथित बेनामी शेयर धारक बिश्नोई परिवार के बेहद करीबी हैं। यहाँ तक कि इससे जुड़े फैसले लेने का मालिकाना हक भी बिश्नोई परिवार के पास ही है। इनकम टैक्स को यूएई और पनामा में भी बिश्नोई की कंपनी के शेयर की जानकारी और दस्तावेज मिले थे। जुलाई में आयकर विभाग की जांच के दौरान कुछ सबूत मिले थे और इसी के बाद ये कार्रवाई की गई। कुलदीप बिश्नोई पर शिकंजा कसना तभी तय हो गया था जब इनकम टैक्स के अफसरों ने हरियाणा में 23 जुलाई को हिसार समेत कुल 13 जगहों पर छापे मारे थे। इन छापों में कई बेनामी संपत्तियों का पता चला था, करोड़ों रुपए की लेन देन और डील का खुलासा हुआ था। आर9 टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।